सब्सक्राइब कीजिए फंटास्टिक प्रेम को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फंटास्टिक प्रेम में। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज एक नया वीडियो। दोस्तों, तो आज हमारे एंड्रॉइड बेस्ड कलर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का न्यू फीचर है ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन। हाँ दोस्तों, जो एक्सेलरेशन वर्ड है ना, मुझे याद करने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगे। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आप ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन कैसे यूज कर सकते हैं, उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूं। दोस्तों, ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन जैसे कि नाम में है कि आप एक साथ में दो दो चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है वाईफाई और इंटरनेट से रिलेटेड। हाँ दोस्तों, ये आपका वाईफाई और इंटरनेट से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन ये आपका मोबाइल डेटा और वाईफाई को एक साथ में यूज करता है। तो आप हमारे जो भारतीयों की खास आदत है, जैसे ही हमें फ्री का वाईफाई मिलता है हम मोबाइल डेटा तो बंद कर देते हैं, बराबर? हाँ, ऐसा मैं भी करता हूँ कभी कभी। तो दोस्तों, ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन ये आपका वाईफाई की स्पीड और मोबाइल की स्पीड दोनों को साथ में यूज करता है। इसमें होता क्या है आपका, बेसिकली इसमें आपका होता क्या है कि जब भी आपका वाईफाई का नेटवर्क वीक होता है या फिर उसकी स्पीड स्लो होती है, तो उस टाइम आपने ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का सेटिंग चालू करके रखा है तो आपके मोबाइल का भी डेटा और आपका इंटरनेट का डेटा दोनों साथ में मर्ज होके आपको एक स्मूथ स्पीड देता है नेट यूज करने के लिए, जिसमें आप आराम से कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशन ही होते हैं जो इसमें आपका यूज होता है, जैसे कि आपका इसमें ब्राउजिंग के लिए जो भी आपका ब्राउजर हो गया वो यूज होएगा, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक हो गया। तो कुछ सिलेक्टेड ऐप है, जब आप ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का ऑप्शन चालू करेंगे वहां पर आपको लिस्ट में दिखाई देगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आपका ये ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का सिस्टम सपोर्ट करता है। ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का बेनिफिट ये है कि जब भी आपको ब्राउजिंग करना होता है या फिर आपको कोई मैसेंजर या व्हाट्सएप यूज करना होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे कभी वाईफाई की स्पीड स्लो हो जाती है या फिर नेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो उस टाइम में दोनों की स्पीड को लेके वो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देता है नेट यूज करने का। तो दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल में ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का मोड यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपके मोबाइल में ऑप्शन दिया होना चाहिए। ये ऑप्शन मोस्ट ऑफ आपको ओप्पो के मोबाइल में मिल जाएंगे, कोई कोई अदर मोबाइल में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं आपको सेटिंग में बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में कि आप ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो चलिए देखते हैं वीडियो। आपके फ़ोन के मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है आपके वाईफाई में। वाईफाई में जाने के बाद वाईफाई को आपको जो है सेटिंग उसे चालू कर देना है। वाईफाई जैसे आप चालू करेंगे तो आपको एक लास्ट में ऑप्शन आएगा एडवांस सेटिंग। आपके एडवांस सेटिंग में चले जाना है। एडवांस सेटिंग में चले जाने के बाद आपको एक टॉपिक दिखाई देगा वाईफाई असिस्टेंट। वाईफाई असिस्टेंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का सब डिटेल दिखाई देगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपका वाईफाई और मोबाइल डेटा का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा दोनों एक साथ यूज़ करने पे। तो इसे हम चालू कर देंगे। और अभी मेरे मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो इसका सपोर्ट करते हैं, क्रोम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ब्राउज़र हो गया, तो ये फ़िलहाल अभी ये 4 एप्लीकेशन है जो मेरा ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का जो ये सिस्टम है सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का सेटिंग कैसे आप ऑन कर सकते हैं अपने मोबाइल में। दोस्तों, तो देखा आपने ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन आप कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में।
ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का यही बेनिफिट है, जब भी आपका मोबाइल डेटा और वाईफाई की स्पीड सेम ना मिले तो ये आपस में अपने आप को स्मार्टली मैनेज करके आपके दोनों का डेटा एक्सेस करके आपको एक स्मूथ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है, नेट यूज करने का एक्सपीरियंस देता है। तो दोस्तों आपको ये ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन बड़ा डिफिकल्ट नाम है, बहुत बड़ा डिफिकल्ट नाम है, याद करने में काफी टाइम लग गया। हाँ तो दोस्तों ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन, तो दोस्तों ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो बाजू में ही है थोड़ा सा नीचे वहाँ पर एक सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में बाजू में छोटा सा बेल आइकॉन भी दिया हुआ है उसे भी आप साथ में प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही कुछ वीडियो जो थोड़े से होते हैं आपके मोबाइल में छुपे हुए जो सेटिंग आपको पता नहीं होती वो मैं बताते रहता हूँ। तो उसी का वीडियो अगर आपको, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए वो बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों तब तक आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक यू।